लेट इस द क्वेश्चंस आस्ट इन द क्वेश्चन बैंक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट टू लेसन नंबर सेवन इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन वन ए क्या है चूज द करेक्ट ऑप्शन जो एक मार्क का है और लेसन नंबर सेवन इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी का चूज द करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री से स्टार्ट होता है अभी व्हाट इज आस्ट इन सेवनटी थ्री डैश एसिड इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लैक्टिक तो आंसर क्या है लैक्टिक एसिड इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिनस ये पेज नंबर एटी वन में दिया हुआ है यू कैन सी ओवियर इन दिस टेबल लैक्टिक एसिड इज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन आंसर इज वॉट लैक्टिक सेवेंटी फोर्थ चूज द करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या दिया है नाव डेज डैश आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोलिट्री ऑल्सो तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रोबायोटिक्स ये पेज नंबर सेवेंटी नाइन में दिया है नाउ डेज प्रो बायोटिक्स आंसर इज वाट प्रो बायोटिक्स नाव डेज प्रो बायोटिक्स आई यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिट्री ऑल्सो सेवेंटी फिफ्थ फ़िलअप योगाट इज़ अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश तो आंसर क्या है ऑप्शन ए लेक्टो बैसिली ये पेज नंबर सेवेंटी एट में दिया हुआ है योगाट इज़ अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ लैक्टो बैसिली तो आंसर क्या है इसका लैक्टो बैसिली सेवेंटी सिक्सथ फिलअप डैश इज़ अ पावरफुल एंटीबायोटिक अगेंस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबोक्लोसिस। इसका आंसर है ऑप्शन बी रिफामाइसिन ये पेज नंबर एटी टू में दिया है रिफामाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबोक्लोसिस। सेवेंटी सेवेंथ फिलअप डैश इज़ यूज इन दी कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री तो आंसर क्या है ऑप्शन ए कंप्रेस्ड ईस्ट ये पेज नंबर सेवेंटी नाइन में दिया हुआ है कम्प्रेस्ड ईस्ट इज़ यूज इन कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री तो आंसर क्या है कम्प्रेस्ड ईस्ट सेवेंटी एट फिलअप डैश इज़ अ सबस्टेंस ऑप्टेन बाई माइक्रोबियल प्रोसेसिंग दट रोल्स हैज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जायलेटॉल ये पेज नंबर एटी वन में दिया हुआ है लास्ट में ये टेबल में दिया हुआ है लास्ट में जायलेटॉल इज़ वॉट आर्टिफिशियल स्वीटनर ऑफ लो कैलरीज सेवेंटी नाइन्थ फिलअप द टेस्ट ऑफ बटर इज़ ड्यू टू दम्पाउंड डैश इन इट तो आंसर है डाई एसिटाइल ये पेज नंबर सेवेंटी सेवन में दिया हुआ है डाई एसिटाइल हैज़ अ फ्लेवर ऑफ बटर एटी फिलअप और चीस हार्ड एंड स्लाइटली आफ्टर कीपिंग फॉर थ्री टू ट्वेल्व मंथ इज कॉल्ड डैश तो आंसर इसका क्या है ऑप्शन डी चेडा तो ये पेज नंबर सेवेंटी एट में दिया हुआ है ऑन स्टोरिंग फॉर थ्री टू ट्वेल्व मंथ सेमी हार्ड छेडार चीस फॉर्म तो आंसर क्या है छेडार नेक्स्ट फिलअप दैट इज़ एटी वन क्या दिया इसमें अ ड्रिंक मेड बाई फर्मेंटिंग एप्पल जूस इज़ कॉल्ड डैश तो इसका आंसर है ऑप्शन है सीडार ये पेज नंबर एटी में दिया ये टेबल में दिया हुआ एप्पल जूस को फर्मेंट करने के बाद फर्मेंटेशन ऑफ एप्पल जूस वॉटफिगर सेन नंबर सेवन का लास्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन है दैट इज क्वेश्चन नंबर एटी टू

वो क्वेश्चन नंबर थर्टी से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी में क्या दिया है पेंसिलिन नियोमाइसिन आइजोमेरिस रिफामाइसिन इसमें ऑर्ड वन आउट क्या है आइजोमेरिस वाई दिस इज अर्ड वन आउट पेज नंबर एटी टू में देखेंगे तो एंटीबायोटिक्स में आता है पेंसिलिन नियोमाइसिन और रिफामाइसिन तो ये तीनों जो है पेंसिलिन नियोमाइसिन रिफामाइजिन इज एन एंटीबायोटिक लेकिन आइजोमेरिज जो है आइजोमेरिज इज़ एन बैक्टीरियल एंजाइम इट इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक तो ऑर्ड वन आउट क्या है आइजोमेरिज क्वेश्चन नंबर थर्टी वन हाइड्रोलस लायास पेप्सिन लिगैसिस इसमें ऑर्ड वन आउट क्या है पेप्सिन वाई पेप्सिन क्योंकि हाइड्रोलिस लायासिस और लिगासिस आर ऑल माइक्रोबियल एंजाइम लेकिन पेप्सिन जो है वो माइक्रोबियल एंजाइम नहीं है वो डाइजेस्टिव एंजाइम है यू कैन सी इन पेज नंबर एटी माइक्रोबियल एंजाइम्स में आता है लिगेसिस लेकिन पेप्सिन नहीं है पेप्सिन क्या है पेप्सिन इज अ डाइजेस्टिव एनजाइम देर ऑर्डन आउट इज वॉट पेप्सिन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू बैक्टीरिया वायरसेस फंग प्लांट्स प्लान इसमें ऑर्डन आउट क्या है प्लांट्स वाई बिकॉज बैक्टीरिया वायरसिस एंड फंगी आर यूज एज बायोपेस्टिसाइड यू कैन सी इन पेज नंबर एटी फाइव बैक्टीरिया फंगी एंड वायरसिस आर यूजफुल एज पेस्टिसाइड

मगर योगर्ट बटर चीज जो है ये भी डायरी प्रोडक्ट्स है मगर दे आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स ऑर्ड वन आउट इधर क्या है खोहा थर्टी फोर्थ क्वेश्चन चीज वाइन बटर कैफीट योगर्ट इसमें ऑर्ड वन आउट क्या है वाइन वाई बिकॉज बटर चीज बटर और कैफीट आर ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स मगर वाइन इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट तो ऑर्ड वन आउट इधर क्या है वाइन लेसन नंबर सेवन का लास्ट ऑर्ड वन आउट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव में क्या दिया है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस लैक्टोबैसिलस के सी आई और क्लॉस्ट्रीडियम इसमें ऑर्ड वन आउट क्या है क्लॉस्ट्रीडियम हाउ क्लॉस्ट्रीडियम इज अ ऑर्ड वन आउट पेज नंबर सेवेंटी नाइन में दिया है प्रोबायोटिक्स का एक्टिव बैक्टीरिया क्या है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस लैक्टोबेसिलस केसिया ये तीनों नाम दिया था ऑर्ड वन आउट में और ये तीनों जो है वो एक्टिव बैक्टीरिया दैट इज़ यूजफुल माइक्रोब्स है और क्लॉस्ट्रीडियम जो है वो हार्मफुल माइक्रोब्स है तो ऑर्ड वन आउट क्या है क्लॉस्ट्रीडियम क्वेश्चन वन बी नेम द फॉलोइंग लेसन नंबर सेवन का नेम द फॉलोइंग जो है वो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में क्या पूछा है एन एनजाइम ऑप्टेन फ्रॉम फंगी टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज इसका आंसर है प्रोटीस ये पेज नंबर सेवेंटी एट में दिया हुआ है एन एनजाइम प्रोटीस ऑप्टेन फ्रॉम फंगी इज यूज एट प्रेजेंट टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज़ तो आंसर क्या है प्रोटीस क्वेश्चन नंबर एटीन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज फॉर स्टोरिंग द गारबेज इसका आंसर है पॉलीलैक्टिक एसिड ये पेज नंबर एटी फाइव में दिया है प्लास्टिक बिंग यूज फॉर स्टोरिंग द गारबेज इज बायोडिग्रेडेबल दैट इज पॉलीलैक्टिक एसिड तो आंसर क्या है पोलीलैक्टिक एसिड नाइनटीन क्वेश्चन इसका आंसर क्या है इथेनॉल ये पेज नंबर एटी टू में दिया है इथेनॉल एंड एल्कोहल इज अ क्लीन स्मोकलस फ्यूल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विनीगर मीन्स फोर परसेंट एसिटिक एसिड दैट इज सी एच थ्री सी ओ ओ एच ये पेज नंबर सेवेंटी नाइन में दिया है विनीगर इज फोरसेंट एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी ओ ओ एच तो आंसर क्या है एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी ओ ओ एच सिर्फ एसिटिक एसिड लिखेगा तो भी काफ़ी है लेसन नंबर सेवन का नेम द फॉलोइंग का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में क्या पूछा है माइक्रोब्स यूज अलॉन्ग विद आर्टिफिशियल नाइट्रोजनस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग तो आंसर क्या है उसका एजटोबैक्टर ये पेज नंबर एटी फाइव में दिया है सोल्यूशन कंटेनिंग एजटोबैक्टर एंड आर्टिफिशियल नाइट्रोजनस इज यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग तो आंसर क्या है एजटोबैक्टर क्वेश्चन वन बी रिलेट द फॉलोइंग लेसन नंबर सेवन का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन से स्टार्ट होता है न वॉट इज आस्ट इन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन लैक्टोबैसिलस योगाट है तो बेकर्स ईस्ट क्या है आंसर है सैक्रोमाइसिस सेरीवेसीआई ये पेज नंबर सेवेंटी नाइन में दिया है बेकर्स ईस्ट क्या है सैक्रोमाइसिस सेरीवेसीआई तो आंसर है सैक्रोमाइसिस सेरीवेसीआई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सैक्रोमाइसिस इथेनॉल है तो एस्पर जिल्स ओरिजियाई क्या है सोया सॉस ये पेज नंबर एटी में दिया हुआ है सोया सॉस इज़ प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ फ्लॉर ऑफ़ व्हीट और राइस एंड सोयाबीन विद द हेल्प ऑफ द फंगस एस्परजिलस जिल्स ओरिजियाई तो एस्पर जिल्स ओरिजियाई का आंसर क्या है सोया सॉस 21st question, lactic acid to impart acidity, तो बीटा कैरोटीन का आंसर क्या Edible ये पेज नंबर में दिया हुआ है बीटा कैरोटीन उसका आंसर क्या है एडिबल कलर्स लेसन नंबर सेवन का लास्ट क्वेश्चन को रिलेट क्वेश्चन नंबर कौन सा ट्वेंटी टू में क्या पूछा गेशियस फ्यूल कोल गैस तो कोल क्या है सॉलिड फ्यूल ये पेज नंबर एटी टू में दिया हुआ है गैशियस फ्यूल में क्या आता है कोल cool गैस तो कोल uh, क्या है सॉलिड फ्यूल तो आंसर क्या है सॉलिड फ्यूल क्वेश्चन वन बी राइट वेदर ट्रू ऑफ फॉल्स लेसन नंबर सेवन का ट्रू ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन से स्टार्ट होता है ट्वेंटी वन में क्या पूछा है सेल्फ लाइफ ऑफ़ योगर्ट कैन बी इंक्रीज बाय पेशचराइजेशन ये ट्रू स्टेटमेंट है पेज नंबर सेवेंटी एट में दिया है सेल्फ़ लाइफ ऑफ योगर्ट एंड इट्स प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज कैन बी इम्प्रूव बाई पेशचराइजेशन सो दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट ट्वेंटी सेकेंड सेंटेंस क्या दिया है विनीगर इज यूज टू ब्रिंग स्वीटनेस इन फूड प्रोडक्ट्स दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट ये पेज नंबर सेवेंटी नाइन में दिया है विनीगर इज यूज इन ईच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू इम्पार्ट सार टेस्ट स्वीटनेस नहीं सार टेस्ट टू फूड मेटीरियल दिस स्टेटमेंट दैट विनीगर इज यूज टू ब्रिंग स्वीटनेस इन फूड प्रोडक्ट्स इज अ फॉल्स स्टेटमेंट स्वीटनेस नहीं आना चाहिए यहाँ पे सार टेस्ट आएगा ट्वेंटी थर्ड स्टेटमेंट मीथेन गैस इज प्रोड्यूसड बाई माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट ये पेज नंबर एटी टू में दिया है मीथेन कैन बी ऑप्टेन बाय माइक्रोबियल एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट तो यहाँ पे क्या दिया एनारोबिक डिकम्पोजिशन और यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन देफो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट ट्वेंटी फोर्थ स्टेटमेंट स्पिनोसाइड इज अ बासाइड दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट ये पेज नंबर एटी फाइव में दिया हुआ है स्पिनोसाइड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज अ सो बास्टिस दिस इज दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट स्पिनोसाइड इज अ असाइड इज अ ट्रू स्टेटमेंट ट्वेंटी फिफ्थ स्टेटमेंट सल्फ्रिक एसिड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया लाइक एसिडोफीलियम ये ट्रू स्टेटमेंट है ये पेज नंबर 85 में दिया हुआ है सल्फ्रिक एसिड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सम सम्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया लाइक एसिडोफीलियम ट्वेंटी सिक्स माइक्रोब्स हैव द नेचुरल एबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिंग मैन मेड केमिकल्स दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट ये पेज नंबर एटी फोर बुक का पेज नंबर एटी फोर में दिया हुआ है माइक्रोब्स नेचुरल एबिलिटी ऑफ डीकम्पोजिंग द मैन मेड केमिकल्स लेसन नंबर सेवन का लास्ट ट्रू ऑफ ऑल स्टेटमेंट इज ट्वेंटी सेवन सेंटेंस ट्वेंटी सेवन सेंटेंस में क्या दिया है एंटीबायोटिक्स कैन नॉट बी ऑप्टेन फ्राम अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी ये फॉल्स स्टेटमेंट है ये पेज नंबर एटी टू में दिया हुआ है एंटीबायोटिक्स ऑप्टेन फ्राम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी यहाँ पे दिया है कैन नॉट बी ऑप्टेन देफो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चन वन बी मैच द फॉलोइंग लेसन नंबर सेवन का मैच द फॉलोइंग जो है क्वेश्चन नंबर एट से स्टार्ट होता है फर्स्ट वन इज़ वॉट एज पर टेम इसका आंसर इज स्वीटनर दैट इज डी स्वीटनर विच इज गिवन इन पेज नंबर एटी वन यर इट इज गिवन एज पर टेम इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस दैट इन दी एंड थर्ड वन वाला बताती हूँ उसका आंसर थर्ड वन क्या है नाइसिन नाइसिन इज वॉट माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्टर दैट इज़ बी माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्टर ये भी पेज नंबर एटी वन में दिया हुआ है नाइसिन इज़ वॉट माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्टर फोर्थ वन एसेंस एसेंस का आंसर क्या है सी वैनलिन तो एसेंस का आंसर क्या है सी वैनिलिन ये भी पेज नंबर एटी वन में दिया हुआ है एसेंस इज वॉट वैनिलीन अभी सेकेंड वन फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन का आंसर क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लेसन नंबर टू लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यू कैन सी इन पेज नंबर फिफ्टीन एनारोबिक रेस्पिरेशन इज वॉट फर्मेंटेशन तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द आंसर ऑफ द सेकेंड वन फॉर्मेंटेशन इज वॉट एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाइन्थ मैच द कॉलम कॉलम ए में फर्स्ट वन क्या दिया है बेकर्स ईस्ट बेकर्स ईस्ट का आंसर क्या है ब्रेड दैट इज बी तो बेकर्स ईस्ट जो है वो ब्रेड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ये पेज नंबर सेवेंटी नाइन में दिया है बेकर्स ईज यूज टू मेक ब्रेड नेक्स्ट वन साओ क्राउट साओ क्राउट जो है उसका आंसर क्या है ए प्रोबायोटिक्स सो इट्स अ बाई प्रोबायोटिक प्रोडक्ट द साओ क्राउड इज वॉट प्रोबायोटिक प्रोडक्ट तो इसका आंसर है ए प्रोबायोटिक ये भी पेज नंबर सेवेंटी नाइन में दिया हुआ है यू कैन सी ओवर ओवेयर साओ क्राउड इट्स अ प्रोबायोटिक प्रोडक्ट नेक्स्ट वन थर्ड लिगैसिस लिगैसिस का आंसर क्या है डी माइक्रोबियल एंजाइम तो आंसर क्या है लिगेसिस का दैट इज अ स्पेलिंग मिस्टेक ओवर योर दिस इज लिगेसिस लिगेसिस का आंसर क्या है माइक्रोबियल एंजाइम दैट इज डी दिस इज गिवन इन पेज नंबर एटी यू कैन सी ओवर ओवेर इन पेज नंबर एटी लिगैसिस दिए दैट इज़ अ माइक्रोबियल एंजाइम नेक्स्ट वन दैट इज़ फोर्थ वन इज़ वॉट पेंसिल इन इज वाट एंटीबायोटिक्स दैट इज सी इज़ द आंसर ये पेज नंबर 82 में दिया हुआ है यू कैन सी ओवेयर पेंसिलिन इज़ एंटीबायोटिक्स तो आंसर क्या है पेंसिलिन का एंटीबायोटिक्स तो बेकर्स ईस्ट इज़ व्हाट ब्रेड साउर का साउक्राउट इज वॉट प्रोबायोटिक्स लिगैसिस इज व्हाट माइक्रोबियल एंजाइम पेंसिलिन इज व्हाट एंटीबायोटिक्स टेंथ मैचा कॉलम जो लेसन नंबर सेवन का लास्ट मैच मैचा कॉलम है कॉलम ए में नेम ऑफ द फ्रूट्स दिया है कॉलम बी में माइक्रोब्स का नाम दिया हुआ है ये जो फ्रूट्स है वो बिवरेज बनाने के लिए यूज किया जाता है और ये बिवरेज बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब्स यूज़ किया है वो कॉलम बी में दिया हुआ है फर्स्ट वन इज कैफिया अरेबिका इसमें कौन सा माइक्रोब यूज किया जाता है लैक्ट्रोबैसे ब्रिविस ब्रिविस तो ये माइक्रोब्स यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक बिवरेज फ्रॉम कैफिया अरेबिका तो कैफिया अरेबिका में कौन सा माइक्रो को यूज किया जाता है लैक्टोबैसिलस ब्रेविस ये पेज नंबर 80 का टेबल में दिया हुआ है कैफिया अरेबिका में कौन सा माइक्रोब यूज किया जाता है लैक्टोबैसिलस ब्रेविस नेक्स्ट वन थियोब्रोमा कैकाओ थियोब्रोमा कैकाओ से बेवरेज बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज किया जाता है कैंडिडा तो इसका आंसर क्या है कैंडिडा ये भी पेज नंबर 80 का टेबल में ही दिया हुआ है थियोब्रोमा इसमें कौन सा माइक्रोब यूज़ किया जाता है कैंडीडा नेक्स्ट वन इज वॉट ग्रेप्स ग्रेप्स में कौन सा माइक्रोब्स यूज किया जाता है इसे बिवरेज बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरिविसिया तो ग्रेप्स में कौन सा माइक्रोब यूज़ किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरोविसिया तो इसका कैफिया अरेबिका का आंसर क्या है बी देट इज लैक्टोबेसल ब्रेविस दियो थियोब्रोमोआ कैकाउ इसमें कौन सा माइक्रोब यूज़ किया जाता है सी दैट इज कैंडिडा और ग्रेप्स में कौन सा माइक्रोब्स यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक वाइन ब्रिवरेज सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिया दैट इज ए क्वेश्चन वन बी आंसर इन वन सेंटेंस लेसन नंबर सेवन का आंसर इन वन सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू में क्या दिया है विच फंगस इज़ यूज टू मेक सोया सॉस बाय फर्मेंटेशन तो आंसर है टू मेक सोया सॉस बाय फर्मेंटेशन फंगस एस्परजिलस ओराइज़ी और इज़ यूज ये पेज नंबर एटी में दिया हुआ है सोया सॉस बनाने के लिए कौन सा फंगस यूज़ किया जाता है फंगस एस्परजल्स और Question number 43 Why does the process of dirt removal occur in detergents even at low temperature? This answer is in page number 80 hua hai. process of dirt or mark removal occurs at low temperature due to mixing of enzymes with detergents. Question number 44 What is ad added to impart thickness to instant soup? This page number 81. This answer xanthan gum is used to impart Thickness to instant soups. Forty-fifth question Which chemical substances get mixed with the soil by adding chemical pesticides and insecticides in the agricultural industry? Iska answer page number 85 fluoroacetamide like chemical substances are mixed with soil. ड्यू टू यूज़ ऑफ़ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टीसाइड्स इन अग्रिकल्चर तो इसका आंसर कैसे लिखना है स्टार्टिंग में फ्लोरो एसिटेमाइड लिखना है उसके बाद बाकी सब क्वेश्चन से लिखना है फ्लोरो एसिटेमाइड केमिकल सब्सटेंसेज गेट मिक्स विद द सॉयल बाय एडिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स इन द ए अग्रीकल्चरल इंडस्ट्री लेसन नंबर सेवन का आंसर इन वन सेंटेंस का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स में क्या दिया है विच माइक्रोब्स कन्वर्ट यूरानियम टू इट्स इन सोलबल सॉल्स ये आंसर जो है वो पेज नंबर एटी फाइव में दिया है इसका आंसर क्या है जियो बैक्टर कन्वर्ट दी ऑफ यूरानियम इन टू इन सॉल्स